अनोखे अंदाज में अपनी बात छत्तीसगढ़ सरकार के सामने रखने की पहल किया। संकनाथ कोरिया मनेंद्रगढ़ में रेलवे डिवीजन बिलासपुर के पूर्व रहे DRUCC सदस्य विजय प्रकाश पटेल ने एक अनोखी अंदाज में चिरमरी नागपुर हॉल्ट न्यू रेलवे लाइन के विस्तारीकरण परियोजना के लिए तयशुदा 50% राशि का वित्तीय फंड अभिलंब रिलीज किए जाने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के छायाचित्र के सम्मुख रोजाना 5 मिनट तक अमृत घंटी बजाकर ध्यानाकर्षित कराए जाने की एक अनोखी पहल की शुरुआत की। शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए नया रास्ता खोज निकाला है, जो प्रत्येक दिन मनेंद्रगढ़ में रोजाना 5 बजे घंटी की आवाज से छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया को अपनी बात पहुंचाने के लिए यह प्रयास जारी की गई। आवाज से छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया को अपनी बात पहुंचाने के लिए प्रयास जारी रहेगा, जिसके लिए उन्होंने भरतपुर सोनहत के विधायक गुलाब कमरो एवं मनेंद्रगढ़ के SDM को लिखित पत्र भी सौंपा है। जीवनदायिनी परियोजना है चिरमरी नागपुर रोड रेल विस्तारीकरण परियोजना। इस परियोजना के लिए केंद्र राज्य सरकार के बीच में OMU हो करके फाइनल हुआ और केंद्र सरकार ने अपने हिस्से का 50% जो है रिलीज कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री से बहुत उम्मीद है, क्षेत्र की जनता एकदम ये विश्वास करती है कि अब इतनी देर हो गई कि और देर ना किया जाए। उनके हिस्से का जो 50% है, हम उनके सामने उनकी संतान है, वो हमारे माँ बाप हैं। हमको माननीय मुख्यमंत्री जी के उनके विकास कार्यों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। उन्होंने जितना काम उन्होंने किया और कर रहे हैं, ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। इस क्षेत्र के लिए भी वो सोचते तो कम से कम जगह जगह बातें जो लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो ये स्पष्ट हो जाता कि उनकी भी सद्भावनाएं और उनका भी ध्यान जो है मनेंद्रगढ़ क्षेत्र में, इस अंचल में, कोयलांचल में, और जहाँ पे सरगुजा संभाग और शहडोल संभाग के लाखों लोग लाभान्वित होंगे, उनके लिए हम गुणगान करेंगे कि उन्होंने जो है आज जल्दी जल्दी देरी करने से संतोष और विश्वास बढ़ता है। इसे जितनी जल्दी काम हो जाए, देर होने से ये भी होता है कि लागत बढ़ जाती है, लागत बढ़ने से फिर काम रुक जाता है। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि जिस तरह से उनका केंद्र का पैसा आके पड़ा हुआ है 6 महीने से, वो भी जल्द से जल्द कर दें और इस विधानसभा सत्र में ही कर दें। पिछले बार भी विधानसभा में हमने उम्मीद लगा रखी थी और अगर ऐसा हो जाए कि विधानसभा में घोषित कर दें तो ये इस क्षेत्र की जनता सदैव उनकी ऋणी और आभारी रहेगी और हम तो हमेशा जीवन भर के लिए क्षेत्रवासी, कोयलांचलवासी उनको नहीं भूल पाएंगे।